केरला स्टोरी अभी भी बहुत जोर वायरल हो रहा है। पहले उसका टीजर आया था, अभी भी उसका ट्रेलर आया है। जो भी कोई उसका ट्रेलर देखता है बोलता है क्या ऐसे ये मूवी में है, क्या सच में केरला में पंडित टेररिस्ट बना दिया था। आइए देखते हैं ये मूवी में क्या है। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। कोई उसका ट्रेलर देखता है उसका रूम कांप उठता है, क्या सच में ऐसे ही हुआ था क्या केरला का लड़कियों के साथ, ना ये प्रोपेगेंडा हुआ। बहुत लोग विरोध करते हैं, कर रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये सच नहीं है। वो मूवी बनाया है जो प्रोड्यूसर, वो मूवी को बनाने के लिए बहुत दिन रिसर्च किया है, उसका बाद ये मूवी बनाया। ये मूवी का ऐसे ही है जो स्टोरी है, ऐसे पहले पहले के ऐसी लड़की है जो हुनार लड़की जो वो हिंदू लड़की के साथ अगले मिशन के लिए फेल होता है, उनका साथ में रहता है, उनको बोलता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबका लड़कियों का ख्याल रखता है, वो उसको हिफाजत करता है, लेकिन तुम्हारा जो भगवान शिव हो जो भी हो लेकिन उनका ख्याल नहीं रखता है। तुम लोग हमारा अल्लाह का ऐसे ही बोल के पहले अपने तरफ झुकाता है लड़कियों को, उसका ब्रेन वॉश करता है, उनका बाद मार्केट हो या मॉल हो जो जगह में रहते हैं उनको परेशान करते हैं, उनकी छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों साथ ऐसे सिचुएशन कर देते हैं कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकते, वो खुद से खुद उनके साथ शादी कर देते हैं, उसके बाद वो इस्लाम बन जाते हैं। और कुछ दिन के बाद वो क्या करते हैं ना, वो ISI में उनको भर्ती कर देते हैं, उसके बाद उनका ISI का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। उनको प्यार करते हैं, जो मानते हैं कि वो मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां जो अपने घर से भाग कर रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। 32,000 लड़कियों के साथ कैसे हुआ था केरला में।